सर, हरियाणा की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? हरियाणा में बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन आदमपुर का उपचुनाव है। आदमपुर के उपचुनाव में जो है मुद्दा बेस्ड राजनीति होने वाली है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। कई साल से ये मान के चलो कि 96 के बाद में तो यहाँ कोई पर्सनल काम भी नहीं हुए हैं। और लोगों का कहना यह है कि उससे पहले भी बहुत कम सार्वजनिक काम यहाँ पर हुए थे, निजी काम ज़्यादा हुए थे। दूसरा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स रहती है उसमें भी यहाँ पे तीन चार कम्युनिटीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जाट हैं, बिश्नोई हैं, शेड्यूल्स हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, और कुछ कॉलोनीज की वोट भी हैं थोड़ी बहुत। राजस्थान से टच करता हुआ एरिया है आदमपुर का। और राजनीति तो अभी कैंडिडेट दो आने बाकी हैं, कांग्रेस का मुख्य कैंडिडेट आना बाकी है, लोकदल के कैंडिडेट आने के बाद में तय होगा कि किस तरह का मुकाबला होने वाला है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला होगा। सर, आदमपुर से आम आदमी पार्टी जो है अब इलेक्शन लड़ रही है, और उसका साफ तौर पर कहना है कि ना तो कभी किसी ने जनता की सुध ली है। तो आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी की भूमिका इन चुनावों में कैसी रहने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली में एस्पेक्ट्स उन्होंने दिया था कि हम नए लोगों को साथ जोड़ रहे हैं, और लेकिन जो उनका कैंडिडेट है वो पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुका है 2014 में, और उसके बाद वो 2019 के आसपास बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी में भी उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अभी 15 दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उसके बाद जो उनका काडर है, खासकर आम आदमी पार्टी का, उसमें भी उनका विरोध हो रहा है। और आज भी मीटिंग थी उनकी, कल भी मीटिंग हो रही थी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी, उसमें विरोध है। लेकिन अभी कोई इलेक्शन, जब तक सारे कैंडिडेट नहीं आते तब तक ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन कहाँ स्टैंड करता है। कासनिया साहब, आप हरियाणा की राजनीति के और देश की राजनीति के बारे में काफी कुछ लिख चुके हैं, क्या लगता है कि 2024 का इलेक्शन इस इलेक्शन से कुछ प्रभावित होगा या नहीं होगा? देखिए, हर एक चुनाव का प्रभाव होता है, निश्चित तौर पर इसका भी प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का। अगर कांग्रेस या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़रिए से ज़्यादा एस्पेक्ट्स इसमें देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ कांग्रेस जीत दर्ज करती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रभाव है वो डबवाली और एलनाबाद तक हो सकता है। अगर यहाँ जो भजनलाल का परिवार, जो उनके पोते हैं, वो चुनाव यहाँ पे हारते हैं, तो लाल परिवारों की जो राजनीति है वो खतरे में पड़ सकती है। नए लोग इसमें राजनीति में आ सकते हैं। नाम दोबारा। अनिल आर्य। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।